Hello friends, welcome to another practice question of heights and distances. This is the ninth question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous eight videos as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ध्यान रखिएगा, ये एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है और ये सीबीएसई में 2005 और 2015 दोनों साल पूछा गया था. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन कह रहा है कि टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट एंड ऑन इधर साइड ऑफ द रोड. तो ये जो है ये हमारी रोड है. ओके, ये जो नीचे बना हुआ है ये रोड है और टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट. तो ये जो पिलर है इसकी हाइट मैं वाई बोल देता हूँ. ओके, पिलर की हाइट वाई है, दोनों साइड का पिलर सेम हाइट का है और जो रोड है उसकी जो विड्थ है वो 100 मीटर्स दी हुई है. ओके, तो ये जो विड्थ है ये 100 मीटर्स दी हुई है. ओके, 100 मीटर्स. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ऐसा बोला हुआ है क्वेश्चन में. तो मान लेते हैं कि ये छोटा एंगल दिख रहा है तो मैं इसको 30 डिग्री बोल देता हूँ और ये थोड़ा बड़ा एंगल दिख रहा है तो इसको मैं 60 डिग्री बोल देता हूँ. एट अ पॉइंट ऑन अ रोड बिटवीन द टू पिलर्स फाइंड द पोजिशन ऑफ द पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट किस पोजिशन पे है एंड हाइट ऑफ ईच पिलर. ओके, तो मैं अगर इसको एक्स बोल देता हूँ, इस डिस्टेंस को, कितने डिस्टेंस को, और ये पूरी रोड की जो चौड़ाई है वो 100 है तो ये कितना हो जाएगा, ये बड़ा ही आसान है, ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स. ठीक है, इतना हो जाएगा. अब बस कुछ भी नहीं करना है, हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और दोनों ट्राइंगल्स को हमको सॉल्व करना है. तो देखिए क्वेश्चन कैसा रहेगा, पहले इस ट्राइंगल में मतलब कि ए बी और सी, तो ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में जब हम लगाते हैं तो टेन 60 क्या होता है, टेन 60 हो जाएगा हमारा वाई अपॉन एक्स. ठीक है, टेन 60 वाई अपॉन एक्स होता है और टेन 60 होता है रूट थ्री. तो हमें पता चल जाता है कि y की क्या वैल्यू है, x रूट थ्री. ये हमें पहला एक इक्वेशन मिल गया है. ठीक है, इसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन वन. अब एक दूसरा देख लेते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ d b e. अब देखिए ट्राइंगल d b e में जब मैं tan 30 निकालता हूँ, tan 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर फिर से y अपॉन 100 माइनस x आ जाएगा. तो tan 30 क्या होता है, tan 30 हमें पता है कि 1 अपॉन रूट थ्री होता है. तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स अपॉन रूट थ्री हो जाएगा. इसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन टू. अब मुझे y की दो वैल्यू मिल गई है, दोनों x के टर्म में, दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ. ठीक है, तो इक्वेट वन एंड टू, तो मुझे क्या मिल जाता है, 100 माइनस एक्स अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू x रूट थ्री. ठीक है, इससे मुझे क्या मिल जाता है, इससे मुझे मिल जाता है कि 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x और 4x इज इक्वल टू 100 या फिर x इज इक्वल टू 25. ये मुझे मिल गया x की वैल्यू 25. इसका मतलब है कि यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है ये 25 है, ये मैंने यहाँ लिख दिया. और ये जो 100 माइनस एक्स है ये कितना होगा, ये होगा 75 है. ठीक है, और मुझे यहाँ से पता है कि y की वैल्यू क्या होती है. अब मैं यहाँ साइड में इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ. y की वैल्यू होती है 100 माइनस एक्स, और x मैं निकाल चुका हूँ कि 25 है, तो 100 माइनस 25 डिवाइडेड बाय रूट थ्री, तो ये क्या हो जाता है, 75 बाय रूट थ्री. और 75 को मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू थ्री बाय रूट थ्री, ये नीचे वाला रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा तो मुझे बचेगा 25 रूट थ्री. तो ये जो y है यानी कि जो टावर की हाइट है, ये y जो है टावर की हाइट, ये आएगा 25 रूट थ्री. ओके, क्वेश्चन ने दो पार्ट पूछे थे, पूछा था फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स. तो ये जो पॉइंट है ये 60 डिग्री वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो यहाँ से 25 मीटर की दूरी पर है. ठीक है, और दूसरा पूछा था कि हाइट ऑफ द पिलर क्या है. तो हाइट ऑफ द पिलर जो है वो 25 रूट थ्री है. I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries at the WhatsApp number mentioned in the description. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.